कर्नाटका एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुलबर्गी में पीडब्ल्यूडी के एक जूनियर इंजीनियर के घर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान 54 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। इंजीनियर ने इसमें से 13 लाख रुपए अपने घर के ड्रेनेज पाइप में छुपा कर रखे थे। करप्शन ब्यूरो की टीम ने जब पाइप में लोहे की लंबी ब्लेड डाली तो रुपए के बंडल निकलने लगे। अफसरों को बाल्टी लगाकर रुपए इकट्ठा करना पड़ा। बता दें कि कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु समेत कई जिलों में एंटी करप्शन ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बुधवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए सरकारी अधिकारियों के करीब 68 ठिकानों पर छापेमारी की है। करप्शन ब्यूरो के करीब 400 अधिकारियों ने विभिन्न विभागों के 15 अधिकारियों के बेंगलुरु, मैंगलोर, मंड्या और बेल्लोरी स्थित ठिकानों की तलाशी ली। कृषि विभाग के अफसर के घर से 7 किलोग्राम सोना मिला। करप्शन ब्यूरो के सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान संपत्ति के कागजात, बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के आभूषण, नकदी और निवेश के कागजात मिले हैं। उन्होंने बताया कि गडक कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक TS रुद्रशापा के आवास से 7 किलोग्राम सोना और 15 लाख रुपए की नकदी मिली है। करप्शन ब्यूरो के मुताबिक मैंगलोर स्मार्ट सिटी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर KS लिंगेगोड़ा, मंड्या के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर K श्रीनिवास, डोडाबल्लापुरम के रेवेन्यू ऑफिसर लक्ष्मी नरसिम्हा, बेंगलुरु निर्मित केंद्र के पूर्व परियोजना प्रबंधक वासुदेव, बेंगलुरु नंदनी डेयरी के MD B कृष्णा रेड्डी, गडक कृषि विभाग के संयुक्त निर्देशक TS रुद्रशापा और बाहिला होंगला सहकारी विकास अधिकारी AK मस्ती समेत कई अफसरों के यहाँ यह छापेमारी की गई है।